हाउ टू वायरल यूट्यूब शॉर्ट्स। अब तुम लोगों को पता है, मेरे को पता है, यूट्यूब ने एक नया फीचर निकाला है यूट्यूब शॉर्ट्स। काफी टाइम पहले निकाला था, वीडियो अब आ रहा है, लेकिन इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स को वायरल करा सकते। और यूट्यूब शॉर्ट्स को वायरल करने से पहले एक चीज हमें ये जाननी होगी, वाई यूट्यूब शॉर्ट्स। भाई YouTube Shorts ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हें बनानी है, तुम्हें वायरल होना है YouTube पर, लेकिन YouTube Shorts ही क्यों, लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं, या फिर पोर्ट्रेट वीडियोस क्यों नहीं, या फिर किसी और टाइप की वीडियो क्यों नहीं। तो पहले इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हमारा बेस क्लियर होगा तो हमें पता है हमारी वीडियो कैसे वायरल होगी, क्यों वायरल होगी, तो वायरल होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि क्यों YouTube Shorts। तो ये सबको पता है, जो चीज़ मार्केट में एकदम नई आती है, जो भी उसका ओनर होता है वो उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करता है उसकी मार्केटिंग पर, और उसको ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाना चाहता है। सेम YouTube ने नया प्रोडक्ट निकाला एक तरह से YouTube Shorts, अब वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जाए, बिकॉज TikTok काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, 100 मिलियन फॉलोअर्स हो रहे थे लोगों के, लेकिन अब यहाँ पे YouTube भी चाहता है कि उनकी भी ऑडियंस बढ़ जाए, और जब वो बढ़ जाएगी तो एड्स ज़्यादा, रेवेन्यू ज़्यादा, तो वो सब तुम समझ सकते हो। तो अभी के लिए हम कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं कि YouTube Shorts के और क्या क्या फ़ायदे हैं। पहले तो अब ये समझ आ गया कि YouTube इसे प्रमोट करेगा ही करेगा, और उसे करना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था ये वीडियो स्क्रिप्ट करते हुए, कि YouTube Shorts कितने टाइम तक चलेगा। भाई तुम्हें पता है TikTok कितना चला, 2-3 साल चला था, पहले म्यूजिकली के नाम से, फिर TikTok के नाम से तो चला था। इसका मतलब YouTube Shorts का भी फ्यूचर काफी अच्छा है। जो लोग सोच रहे हैं कि 1 साल पहले आया था, अब इतना प्रमोशन नहीं है इसमें, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे चैनल आज भी क्रिएट होंगे और आगे भी जाके ग्रो होंगे, और YouTube Shorts से ही ग्रो होंगे, तो इसकी टेंशन मत लो। अब बढ़ते थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ये है कि YouTube Shorts से सबसे बड़ा जो फायदा है कि हाँ, इनसे पैसे बनते हैं, पहले नहीं बन रहे थे लेकिन अब बनते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है YouTube की, उससे पैसे बनते हैं, तो पैसा भी बनता है YouTube पर। और चौथी चीज, हमारा ब्रांड अच्छा बनता है, मतलब एक तरह से हमारी इमेज अच्छी बनती है लोगों के सामने कि ये बंदा बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स रखता है। और ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं YouTube पर जो सिर्फ YouTube Shorts से 5-5 मिलियन, 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आराम से टच करें 5-6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, विच इज़ रियली रियली इम्पॉसिबल इफ़ यू क्रिएट लॉन्ग वीडियोज। तो अब बेस क्लियर हो गया तुम लोग का कि क्यों करना है YouTube Shorts। सब पता है हमको, YouTube प्रमोट करेगा, पैसे हैं, ब्रांड अच्छा बनेगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को याद में रखना। तो अब हमें ये पता है हमें YouTube Shorts क्यों बनानी है, इतनी सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। अब बात करते हैं, बनानी तुम्हें आती है 16:9 के रेशियो में, चाहे YouTube के ऐप से बनाओ, चाहे खुद के फ़ोन की कैमरा से बनाओ, 1 मिनट से छोटा होना चाहिए। और एक और चीज़ है, एडिटिंग थोड़ी अच्छी करना, काइन मास्टर पे हो सकती है, फोन में अगर कर रहे हो काइन मास्टर पावर डायरेक्टर, और अगर पीसी में कर रहे हो प्रीमियर प्रो, ओपन शॉट, और भी काफ़ी सारे, प्रीमियर प्रो हो गया तुम्हारा पेड, फ्री में आ जाता है ओपन शॉट, तो कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने भी 2 हाईली एडिटेड यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए थे और उन पे भी 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आई बटन पे भी डाल दूंगा, तो चेकआउट कर सकते हो। और उन्हें मैंने ओपन शॉट से एडिट किया था। तो एडिटिंग का फंडा क्लियर, बनाने बहुत सिंपल है तुम्हें पता है, तो एक तरह से हमारी पहली चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं वायरल करने पे, और सबसे बड़ा फायदा जो YouTube Shorts का है, जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया, वो है द ट्रेंडिंग पेज। तुम्हारी वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर आएंगी, चाहे तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर, चाहे तुम्हारे 2000 है, चाहे तुम्हारे 500 हैं, तुम्हारी वीडियोस ट्रेंडिंग पेज पर आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं वायरल करने का फॉर्मूला, एक परफेक्ट प्लान दे रहा हूँ, उसे यूज करो, वायरल हो सकती है। नंबर 1 फॉर्मूला, रिसर्च योर शॉर्ट्स। एक नीश चुनो, पहले सब कुछ छोड़ दो, एक नीश चुनो, और यहाँ पर एडवाइस करूंगा कॉमेडी और या फिर कोई चैलेंजेस, ये वाले नीश चुनो। तो तुम भी एक ऑडियंस के माइंडसेट से सोचो, कोई अगर वेला बंदा है और वो YouTube Shorts को स्क्रॉल करे जा रहा है, वो टेक न्यूज देखेगा या कोई टेक से रिलेटेड चीज देखेगा, या फिर वो ये देखना चाहेगा कुछ कॉमेडी हो, कुछ फनी हो, कुछ चैलेंजिंग हो, ऐसा कुछ हो। तो तुम्हें पता है ऐसे नीश पकड़ो जो चैलेंजिंग हो, कॉमेडी हो, लोगों को इंटरेस्टिंग बना दे, और छोटी वीडियोस बनाओ, 30 सेकंड से कम की बने, और एक आध ऊपर हो भी जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बेस बनाओ, ठीक है। अब तुमने एक नीश चुन लिया, चाहे गेमिंग कर सकते हो, काफी लोग देखते हैं, और ऐसे काफी सारे चैनल जिन्होंने 1 महीने में 5-5 लाख सब्सक्राइबर गेन करे हैं गेमिंग के यूट्यूब शॉर्ट्स बनाकर, और तुम उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी 17 मिलियन व्यूज आ रखे हैं। भाई
ऐसा काफी मुश्किल है करना, लेकिन तुम भी कर सकते हो। मैंने काफी सारी वीडियोस को एनालाइज करा है यूट्यूब शॉर्ट्स की, और पूरी समरी लाया हूँ, परफेक्ट फॉर्मूला लाया हूँ जिससे तुम्हारी यूट्यूब शॉर्ट्स वायरल होंगी। पहले एक नीच पकड़ा, उस पर थोड़ी सी रिसर्च की कि लोग जो और है, जो ग्रो हुए हैं 4-5 महीने में ग्रो हुए हैं, वो लोग इस नीच पे कैसे अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमेडी पकड़ा, लेट्स टेक इट, तुमने कॉमेडी नीच पकड़ लिया। अब हरप्रीत SDC फैमिली कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, तो तुम उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो, और भी काफी सारे मिल जाएंगे। चैलेंजिंग चैनल है, तो जो मनी चैलेंजेस करते हैं, जो लोग पूल चैलेंजेस करते हैं, थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, इन्हें कर सकते हो। और अगर मोटिवेशन है, नॉलेज है, तो A2 मोटिवेशन कर सकते हो। तो ऐसे अपने हिसाब से चेकआउट करो क्या नीच है। गेमिंग है तो तुम्हें नाम दिख रहा है अभी चैनल का, इसे भी चेकआउट कर सकते हो, बट एक नीच पर कंसिस्टेंटली काम करो। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट यूट्यूब शॉर्ट्स में। A2 मोटिवेशन 3 वीडियोज अपलोड करते हैं एक दिन में, हरप्रीत SDC 2-3 वीडियोज अपलोड करते हैं एक दिन में। तुम लोग भी ट्राई करो, 2 वीडियोज अपलोड करो, एक सुबह एक शाम। अगर तुम एक करोगे, मान लेते एक बंदा है ए, दूसरा है बी, ए जो है वो महीने की 30 वीडियोज डालता है यानी कि डेली एक वीडियो, बी जो है वो महीने की 60 वीडियोज डालता है यानी कि डेली की 2 वीडियोज। और अगर तुम सोच के देखोगे कि दोनों के व्यूज सेम आते हैं, लेकिन जो बी है वो ज्यादा तेज ग्रो होगा क्योंकि उसके पास 60 वीडियोज हैं, जबकि ए के पास 30 वीडियोज हैं। और क्वालिटी देने का ट्राई करो, चैलेंजिंग, क्यूरियोसिटी, कॉमेडी, ह्यूमन माइंड के साथ खेलना है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। दिमाग के साथ खेलोगे, दिमाग से लोगों को जोड़ोगे, सब्सक्राइबर्स तो तुम्हारे पीछे आराम से आएंगे, तो इसकी टेंशन मत करना स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर्स की, स्टार्टिंग में कंटेंट के ऊपर काम करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो भाई कंसिस्टेंसी हो गई, तुम्हारी रिसर्च हो गई, तुम्हारी वीडियोस चल गई, तुमने पूरा प्लान बना लिया, अब क्या भाई। यूट्यूब शॉर्ट्स में तुम हैशटैग शॉर्ट्स जरूर लगाओ, कोई भी क्लिक करेगा हैशटैग शॉर्ट्स पर, तुम्हारी वीडियो वहां पे शायद रैंक हो जाए, और अगर रीसेंट अपलोड्स में आया तो हो सकता है तुम्हें भी व्यूज मिल जाए। तो ऐसे तुम यूट्यूब शॉर्ट्स को इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा आता है यूट्यूब शॉर्ट्स का। अब ये पोर्ट्रेट मोड में रहती हैं, तो इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि तुम इसे इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक वीडियोस यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पे यूट्यूब से कहीं ज्यादा रीच है। तुम एक वीडियो डाल के देख लेना और तुम्हें आराम से 200 व्यूज मिल जाएंगे विद इन 20-30 मिनट्स, इंस्टाग्राम रील्स की बात कर रहा हूँ। तो ट्राई करना जरूर, और मेरे को कमेंट्स में बताना आए कि नहीं, ठीक है। तो वैसे जरूर आते हैं, मैंने खुद ट्राई किया और तुम्हें प्रूफ के तौर पर यहाँ पर दिखा भी दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स को तुमने इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया, फेसबुक पर भी डाल दिया, अब यहाँ से फायदा क्या होगा। अरे भाई तुम अपना एक रील बना देना, एक कोई वीडियो बना देना कि भाई मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तुम इसे भी चेकआउट करो। यहाँ पर जो वीडियोज आती है वो मेरे इंस्टाग्राम पेज, मेरे फेसबुक पेज से पहले आती है और सेम होती है, तो यहाँ से तुम्हें एक बेनिफिट मिलेगा यूट्यूब पर ऑडियंस को खींचने का। तो ऐसे तुम लोग ये चीज भी ट्राई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। तुम्हारी कंसिस्टेंसी है, तुम्हारा कंटेंट है, तुम्हारी क्वालिटी है, तुम हैशटैग शॉर्ट्स लगाते हो, तुम अलग अलग मीडियम्स पर भी अपलोड करते हो वीडियोस को, बट अभी भी तुम ग्रो नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कंटेंट में कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए रोक ले। अब ऐसा क्या होना चाहिए, तो हम एग्जाम्पल के रूप में ये वीडियो लेते हैं। इसमें बंदे ने मार्बल फेंके हैं और वो लिखा हुआ है कि वहां पे इतने डॉलर्स मिलेंगे, तो डॉलर्स मिलेंगे तो काफी ज्यादा लोग एंगेज हो जाएंगे कि भाई पैसे मिल रहे हैं, ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरे को इस वीडियो ने रोका, मैंने इसका चैनल देखा तो सेम नीच था, ऐसे चैलेंजिंग वीडियोस डाल रहा था बंदा, तो मैंने सब्सक्राइब कर लिया। सिंपल सी चीज है, तुम भी यही करो, सेम नीच पे बनाओ और ऐसा कंटेंट ढूंढो जो बंदे को रोके, क्यूरियस करे, इंटरेस्ट बनाए उसका। अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, जितने भी इस चीज पे चैनल ग्रो हुए हैं उन्होंने एक मोबाइल फोन से शुरू किया है, तुम भी एक मोबाइल फोन से शुरू करो, चाहे ऑडियो एडिटर्स यूज करो, चाहे वीडियो एडिटर्स यूज करो, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, आराम से अपनी शूटिंग करो, कोई टेंशन नहीं है, जीरो बजट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, ट्रेंडिंग पेज। अब तुम्हें भी पता है यूट्यूब, यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं बता सकता कौन सा वीडियो कब वायरल हो जाएगा। तो ये भी मैंने देखा है कि काफी सारे लोगों की वीडियोस पे 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं एक दिन में, जबकि उनके सब्सक्राइबर होते हैं 1-2 हजार, और तुमने भी जरूर देखा होगा ये चीज। तो उन वीडियोस को यूट्यूब क्या करता है, ट्रेंडिंग पेज पे डाल देता है। ट्रेंडिंग पेज पे आने से क्या होता है, इनको और ज्यादा रीच मिलेगी, लोग और ज्यादा इनके चैनल को विजिट करेंगे।
अब जब लोगों ने विजिट किया तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे और आराम से तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे वीडियो को वायरल करने का परफेक्ट प्लान बताता हूँ तुम्हें। नंबर 1 स्क्रिप्टिंग, नंबर 2 शूट, नंबर 3 एडिट। अब यहाँ पर क्या करना है, जब तुम अपलोड कर रहे हो जो टाइटल है ना अपनी 10 वीडियोस का लगातार, फॉर एग्जाम्पल तुमने किया माय फ्रेंड जंप्स, माय फ्रेंड क्लाइम्स, माय फ्रेंड, तो हर टाइटल में सेम कीवर्ड यूज करो, मेटा डाटा को सेम रखो, हर वीडियो का एसईओ करो, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल ट्राई करो सेम हो 10 के 10 वीडियोस के। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, माय फ्रेंड जंप्स फ्रॉम वॉल नंबर 1 वीडियो बना, नंबर 2 माय फ्रेंड ट्राइज टू जंप फ्रॉम अ ट्री, ठीक है, ऐसे माय फ्रेंड की स्टार्टिंग है और कुछ जंप आ रहा है, कुछ क्लाइंब आ रहा है, तो ऐसी वीडियो ज्यादा वायरल होती है। तो यूट्यूब को लगता है कि भाई ये बंदा तो सेम चीज अपलोड कर रहा है, एक भी वीडियो वायरल हुई सारी अपने आप कर देगा यूट्यूब। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को लगा भाई इतने सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आया, बट अब मैं इसकी सारी वीडियो एक जैसी है सारी इन तक पहुंचाता हूं और उन्हें और पसंद आएगा तो ये YouTube शॉर्ट्स और देखेंगे तो YouTube का भी फायदा, तुम्हारा भी फायदा, विन विन सिचुएशन, दोनों जीत गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ट्रैफिक सोर्स। ट्रैफिक सोर्स अगर तुम्हारा ब्राउज फीचर है, YouTube सर्च है, कुछ भी है, तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। और तुम यहाँ पर मेरी अर्निंग का प्रूफ देख सकते हो, इस वीडियो की अर्निंग का मैं तुम्हें एक प्रूफ दिखा रहा हूँ, इसने मुझे पैसे कमा कर दिए और इसमें 1000+ व्यूज हैं, तो तुम भी ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पैसे कमा के देती हैं वीडियोस अगर किसी और ट्रैफिक सोर्स है, ट्रेंडिंग पेज है, इन जगहों से है, लेकिन अगर यूट्यूब शॉर्ट्स है जो ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं तो वो पैसा नहीं कमाती। तो एक चीज है ये याद रखना है। तो सिंपल सा अब तुम्हारे पास पूरा प्लान मैं समराइज कर देता हूँ, जितनी वीडियो को मैंने एनालाइज किया था अब पूरा प्लान है तुम्हें मैं समराइज करके दे रहा हूँ। नंबर 1 चीज, नीश पकड़ो एक और उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करो, जो बड़े क्रिएटर्स कर रहे हैं उसे कॉपी करो स्टार्टिंग में, फिर अपना बनाओ, ठीक है। नंबर 2 चीज, जो तुम वीडियो को शूट कर लोगे अपने फोन के कैमरा से करने के बाद एडिट जरूर करो, म्यूजिक साउंड्स ये सब ज्यादा डालो, ठीक है। अब तुमने वीडियो अपलोड कर दिया, मेटा डाटा जो रहता है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन उन्हें सेम रखने का ट्राई करो। उसके बाद क्या किया, अपलोड भी हो गया, शेयर करो वीडियो भाई, कॉमेडी इंटरेस्टिंग ऐसी जो वीडियोस रहती है, क्यूरियोसिटी चैलेंजेस, ये हर कोई देखना चाहता है, तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे रिलेटिव इनको शेयर कर दो, 1 मिनट का वीडियो है, ऑडियंस रिटेंशन तो गिरने वाला नहीं है, क्लिक थ्रू रेट अपने आप बढ़ जाएगा जब तुम्हारी एक्सटर्नल ट्रैफिक से ऑडियंस आएगी। और उन्हें कह देना कि भाई 30 सेकंड का ये तो वीडियो सभी देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये भी जब हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, अब शेयर कर दी, इनिशियल तुम्हारे 200 व्यूज मान लेता हूँ, ज्यादा ही आएंगे ऑब्वियसली, तुम ज्यादा लोगों को शेयर करोगे तो, ठीक है। अब तुम्हारे 200 व्यूज इनिशियली आ गए, अब तुम्हारी जब 10 वीडियोज हैं उस पर 200 व्यूज हैं तो तुम्हारे 2000 व्यूज नहीं हो गए, 2000 व्यूज आए, यूट्यूब को भी लगेगा भाई दम है बंदे में, थोड़ा सा एक वीडियो को ट्राई करते हैं प्रमोट करने का। यूट्यूब ने प्रमोट किया, मान लो वायरल हो गई, मान लो तुम्हारी कंटेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी है वीडियो वायरल हो गई, तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगी अच्छी रीच, ट्रेंडिंग पेज पे आ सकते हो, कहीं पर भी अपना ब्रांड बना सकते हो, अपने बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर जरूर जाना, बहुत अच्छी रीच है, फॉलोअर्स मिलते हैं, ब्रांड बनता है आपका नाम, तो ट्राई करो। अब हमने इस वीडियो में कंप्लीटली जान लिया कैसे यूट्यूब शॉर्ट्स को वायरल करना है, लेकिन अगर तुम्हें देखना है कि डिमांड एंड सप्लाई से तुम कैसे उठ सकते हो तो तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और तुम्हें अगर जानना है कैसे तुम अपने 1000 सब्सक्राइबर 10 दिन में कर सकते हो ताकि तुम्हारी जो YouTube शॉर्ट्स की आगे की ऑडियंस है वो भी तुम्हें और ज्यादा देखे तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।